स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग करेंगे तीसरे खेत का हार्वेस्टिंग, जो कि गेहूं का हार्वेस्टिंग है, जो कि अभी चल ही रहा है। और आपको मैं हमेशा दिखाते जा रहा हूं दोस्तों कि अपने खेत के हार्वेस्टिंग और विलेज लाइफ स्टाइल। तो ये हमारे साथ दोस्तों वीडियो है विलेज लाइफ स्टाइल का, तो आप लोग जितना हो सके उतना प्यार सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब लाइक शेयर ही कर दीजिएगा। और सुबह सुबह का चेक करिए पूरा विलेज का सीन और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो हमारा ये दोस्तों ये खेत कटिंग हो चुका है। अब देखिए सुबह सुबह सूरज कितना प्यारा लग रहा है, चमक रहा है। और देखिए हमारा ये डीजल मशीन है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। और हम लोग को अभी काटना है दो खेत अभी और है, जो कि वहाँ पर पूरा कटिंग चल रहा है। और उसके बाद ये देखिए कितना सुंदर वातावरण है दोस्तों। अभी 5:30 बज रहा है, ये 6 बजने में कुछ टाइम है अभी। और उसके बाद देखिए सूरज भी निकल गया, क्योंकि गर्मी ज़्यादातर सूरज पहले निकल जाता है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये पूरा खेत कटिंग हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं अपना नेक्स्ट वाला खेत का सीन, बाकी आप बने रहिएगा, बहुत मज़ा आए। धूप से हालत ख़राब हो जा रही है एकदम, इसीलिए सर पे पूरा गमछा रखना पड़ता है एकदम। और ये पीछे जो है इतना सारा जो है पूरा बांध दिया गया है बोझा। अब इसको दाएँगे हम लोग थोड़ा रुक कर, रिजल्ट मिल सके। और ये पूरा सीन है दोस्तों अपना विलेज लाइफ का, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरा गेहूं को दोस्तों हार्वेस्टिंग अच्छे तरीके से किया है, वो भी हसीये से, वो भी हाथ के इस्तेमाल करके, कोई मशीन नहीं है दोस्तों। और ये है अपना सुंदर सा गेहूं, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से दोस्तों इसका गेहूं का बाल है बहुत अच्छे तरीके से। और ये रहा दोस्तों अपना देसी हसिया, और इसमें घास भी है जो कि बहुत नुकसानदेह है, और हाथ फंस जाएगा तो दोस्तों, हसिया फंस जाएगा तो हाथ कट सकता है, इसीलिए संभाल के काम करना पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों हम लोग अपने देसी जुगाड़ लगाकर हसिये का इस्तेमाल करके यहाँ पर गेहूँ की कटाई कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपके इधर हार्वेस्टिंग हुई है कि नहीं बता दीजिएगा। दिनदहाड़े खेत में बता भैया गेहूं का, हम लोग कटिया कर रहे हैं देखिए, और दिनदहाड़े, अरे 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 अरे, नुकसान तुम ही लोग कर रहे हो भैया। अरे 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 अरे, पूरा गेहूं के नुकसान कर दिए भैया हमारे, मतलब हम कटिया कर रहे हैं गेहूं का। ये देखिए हमारे हाथ में हसिया है, और भैया ये सब ये भी करना पड़ता है दोस्तों, कि जब नीलगा आ जाते हैं ना तो गेहूं में पूरा नुकसान करते हैं, सब बैठ जाते हैं तब हालत ख़राब हो जाती है। अब देखिए जैसे कि हमारा गेहूं है, अब उसके बाद जो है इसी में सब घूम रहे हैं सब। देखिए वहाँ पर है, वहाँ पर बेचारा टहल रहा है, और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, अब फिराक में पड़ा हुआ है बेचारा, और हम कर रहे हैं अभी खेत की कटाई, गेहूं की कटाई। और देखिए हमारे हाथ में हसिया भी है यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं गेहूं काट रहा हूँ। और वहाँ पर देख सकते हैं कि भाई साहब हार्वेस्टिंग चालू है गेहूं का, जो कि आप देख सकते हैं कि हालांकि मैं हमेशा लेट ही आता हूँ, हालांकि कभी जल्दी आया नहीं है ना बात। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे हाथ में हसिया है, और वहाँ पर देख सकते हैं कि गेहूं की हार्वेस्टिंग चालू है अभी। और भाई साहब धूप निकल गया, मैं क्या बताऊँ, बहुत आलसी इंसान हो गया हूँ मैं। और ये रहा भाई साहब अपने नीम का पेड़ और डीजल मशीन, जो कि आपने बहुत सारे वीडियो में दोस्तों देखा होगा, हमारे ही वीडियो में देखा होगा, और हमारे फैमिली वाले लोग हैं। और यहाँ पर ये भाई साहब देख सकते हैं कौवा भी पूरा चिल्ला रहा है इधर, काँव काँव कर रहा है, क्योंकि सुबह हो गया तो इसको भी तलाश है रोजी रोटी की। तो भाई साहब हर पशु पक्षी इंसान सभी लोग दोस्तों अपनी रोजी रोटी के लिए निकल पड़ते हैं, हालांकि इंसान जो होते हैं आलसी होते हैं, जैसे कि मैं। और यहां पर देख सकते हैं भाई साहब यहां पर गोरी है, और ये पानी का बॉटल है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, क्योंकि
क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ता है कि हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर देखिए इस वाले खेत की हार्वेस्टिंग चल रही है, और जो कि मतलब जैसा ऐसा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हसिया हमारे हाथ में है, और देखिए जो मैंने दिखाया था वीडियो ना सेम। और ये पूरा जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और ये पूरा सीन है, और ये पूरा सुबह सुबह का सीन। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो हमारा देखकर, तो कमेंट बता दीजिएगा दोस्तों। रोज नीलगाय है यहाँ पर देखिए नज़दीक में, और बताइए ये पूरा गेहूँ को नुकसान करेगा। और हम लोग आ रहे हैं काट कर, यहाँ पर देख सकते हैं नज़दीक। ओ भैया लाल बहादुर, ओ लाल बहादुर भैया कहाँ जा रहे हैं? तो वहाँ पर अपनी हार्वेस्टिंग चालू है, जो कि हसिए का इस्तेमाल करके दोस्तों। और मैं हमेशा आता हूँ लेट, क्योंकि लेट पता नहीं कैसे आ जाता हूँ, सो जाता हूँ, सोचता हूँ कि 5 मिनट और सो लूँ, उसके बाद हो जाता है लेट और ज़्यादा। ये सबके साथ होता है, सब लोग सोचते हैं कि चलो यार थोड़ा सा 5 मिनट के बाद चलते हैं, और हो जाता है ज़्यादा लेट। तो ये देखिए गेहूँ है अपना, और उस वाले खेत की हार्वेस्टिंग चल रही है। और अपना देखिए ये वाला सीन, ये वाला खेत कट चुका है, और इसको हम लोग हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। अब इस वाले खेत की हार्वेस्टिंग करना बाकी है। अब दोनों को हम लोग करेंगे लमसम, इसमें भी 4 दिन के आसपास लग जाएगा। बाकी देखिए सीन और कितना प्यारा लग रहा है सूरज, और उसके बाद सुबह सुबह का सीन जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गेहूँ इतना बढ़िया तरीके से हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे कटिंग चालू है, कटिंग चालू है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे बोझा बांध दिया गया है। अब देखिए ये पूरा सीन कटिंग चल रहा है अपना, अभी आपको दिखाता हूं मैं नजदीक से।
बोझा मान दो भैया, बहुत धूप ज़्यादा है, हालत ख़राब हो जा रही है गाइस। बोझा बांध दिया गया है, गर्मी ज्यादा है, धूप बहुत जोर से लग रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा हो गया है अपना, और इसको हम लोगों ने पूरा बांध दिया है। यहाँ से दो तीन दिन और लगेगा, दो से तीन दिन और लगेगा लगभग काटने में इसको, और पूरा ये हो गया है एकदम। देखिए गर्मी कितना ज़्यादा है, धूप ज़्यादा लग रही है, पसीना निकल ले रखा। और वो जाकर हम लोगों ने बांध दिया यहाँ पर, और इसका इस्तेमाल किया ताकि हाथ में गड़े ना। बाकी ये देख सकते हैं हैंग्लोज का इस्तेमाल किए हैं ताकि दिक्कत ना हो बांधने में, और जो होता है ना नोकीला नोकीला टूट जिसको बोलते हैं वो धंसे ना, और इसका इस्तेमाल किया हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और देखिए रहे विलेज लाइफ स्टाइल का। और सुबह 5 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है ये खेती बाड़ी का सीन, क्योंकि ये वाला काम जो है ना सुबह सुबह ही काम हो पाता है, दिन में काम करने से हालत ये कट नहीं पाएगा ये बोझा, जैसा कि देख रहा है। और पूरा सीन चल रहा है एकदम, देखिए इसको भी काटना है अभी, इसको काटेंगे थोड़ा देर के बाद, क्योंकि देखिए सब लोग घर जा रहे हैं, और गर्मी ये धूप तो पूरा हालत ख़राब कर दे रही है एकदम। और ये वाला गेहूँ अभी घर जाने की तैयारी चल चुकी है, 2-3 दिन में कट जी हो चलाओ, चला 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 गर्मी, चला 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 लोग गर्मी ज्यादा लग रहा था। और हाँ के पीछे यहाँ पर देखिए भैया जा रहा है पूरा एक ही है, यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए पीछे है ना, ये देखिए पूरा जा रहा है इधर इधर, देखिए इधर 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 इधर, ये यहाँ पर देखिए ये पूरा जा रहा है साथ में,